इसके पहले कि आप कुछ कहें, आई एम लर्निंग नाउ दिस डेज, आई हैव अनदर प्रकर्शन जिम्बा, इट कॉल्ड जिम्बा. देवा हो देवा, देवा गणपति देवा, हम हैं तेरे पुजारी, हमरी सफल करो सेवा. देवा हो देवा, देवा गणपति देवा, ओम श्री गणराजे नमः. When I was at the age of 4, and I don't remember because I have seen a video clipping and audio clipping also, and the passion of singing is the same. मैंने उस वक्त एक contest था, contest, music contest था, and I was not contestant. It happened in my school, and quickly कहते कि तुमने रोना शुरू कर दिया, you started crying that you wanted to sing, but the kids were not allowed to go on a stage to perform. Somehow, in a short way, they convinced the judges, and I was on a stage. और वहाँ पे मैंने लता जी का गाना गाया, सरेगा पा 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 धामारे गार मेरे संग मेरे साजना, सरेगा पा 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 धामारे. So finally, when the song was end, and I got a huge applause, and people wanted to me to sing it again, twice, thrice, four times. जब चौथी बार जो गाना मेरे से यही सेम सुना, तो गवर्नर ऑफ हिमाचल एंड पंजाब दे रिकमेंडेड मी टू द जजेस दैट ही इज द वन हु डिजर्व फॉर द अवॉर्ड ऑफ टूडे ट्रॉफी, एंड दे अनाउंस द ट्रॉफी ऑन माई नेम, एंड आई स्टार्टेड जम्पिंग वेन आई केम ऑन अ स्टेज. मैं जब स्टेज पर गया, दे इट वॉज अ ह्यूज ट्रॉफी, दे गिव इट टू मी एंड टूवर्ड्स टू मी. जब लेके आ रहे थे, मैंने ट्रॉफी को पुश कर दिया, और देन अगेन स्टार्टेड क्राइम. तो समवन सेड कि वट ही वॉन्ट, कहते उसने ट्रॉफी नहीं टॉफी सुना है, उसको टॉफी चाहिए. सो तो मेरे को बचपन से ही टॉफी की प्रेफरेंस ज़्यादा है, ट्रॉफी की नहीं. मतलब आई कैन नॉट बी अग्रेसिव अबाउट इट. अवार्ड्स आर लाइक गिफ्ट, आई लव दैट, आई लव टू रिसीव अवार्ड्स, बट ट्रॉफी इज टॉफी, टॉफी यानी स्वीट, इज जस्ट लाइक अ रिवॉर्ड. तो हाउ आई स्टार्टेड इट, हाउ आई एंटर्ड इन टू द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक. छैया छैया एक्चुअली इज माई फर्स्ट बॉलीवुड सॉन्ग फ्रॉम रहमान, एंड इट हैज़ गॉट स्पिरिचुअल कनेक्शन ऑल्सो. टू वर्शन ऑफ दिस सॉन्ग, वन इज थैया 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 कर थैया थैया थैया, हो तेरी इश्क न जाया कर थैया, हो तेरी इश्क न जाया कर थैया कर थैया थैया थैया. दिस इज रिटन बाय पीर बाबा बुल्ले शाह साहब. And then another, oh, the personality, एक पाक, एक बहुत ही बेहतरीन इंसान गुलजार साहब. उन्होंने इसका जो हिंदुस्तानी वर्षन जो लिखा, वो यार है जो खुशबू की तरह, वो जिसकी जुबान उर्दू की तरह, मेरी शाम रात मेरी कायनात, यार मेरा जैया जैया चल जैया जैया जैया. So this happened first time on screen. When I saw a boy dancing with a girl and a group of dancers on train, and I was flabbergasted, and Rehman was with me. I said, I have seen this boy, he's a romantic dynamic hero. He said he's a Shah Rukh Khan. And then I met Shah Rukh bhai there at the music release. He was practicing for the
evening celebration music release, and Rehman told Rehman told to Shah Rukh bhai that Sukhvinder is here, and I looked at him and Shah Rukh bhai ne mere ko itna kas ke pakda ki abhi tak bhi unki us mohabbat ke nishaan mere dil pe hain. And it is very it's a very good song, Chaiya, and very singing oriented, and it was launched by Rehman with soulful orchestration, and I'm really very much emotionally attached with the song. One sentence I always said, that past cannot be graveyard. Past cannot be graveyard. Past is known for history. Past is known for experience. Past is known for information. We should not live in past. We should live in present. I know this is a real, really very good thing. I live in present. I love my present time. Whatever opportunity I get in the present time, I do very nicely. I feel like to do very nicely. जो भी मुझे opportunity मिलती है. Present time is the best to live. But we get informations, experience from past. And ये जो पुराने गानों का remake होता है, इसमें अगर एक चीज़ correct हो जाए, तो ये history क्रिएट कर सकते हैं. इनके परफॉर्मर अगर करेक्ट हो जाएं, इनके सिंगर्स, वो कभी जो है नजर आ रही है. आई सिंग फॉर करेक्टर, नॉट फॉर एक्टर. वो जो करेक्टर कर रहे हैं उसके लिए मुझे गाना है. अब देखिए, हौले हौले से हवा लगती है, फ्रॉम रब ने बना दी जोड़ी, और उसमें एक साधारण सा, सिंपल सा, इनोसेंट सा एक करेक्टर है, तो वॉइस को हम्बल नोट पे ले जाना पड़ता है. अब एक तरफ एक करेक्टर जो है वो डायनामिक है, मैग्निफिसेंट है. फर्स्ट टाइम ऑन स्क्रीन किसी ने सिक्स पैक हीरो देखा, दैट वाज शाहरुख खान. ऑफ कोर्स इट इज स्टार्टेड फ्रॉम देयर. यस, उनके पहले संजय दत्त साहब ने भी किया था, बट विथ सिक्स पैक. एंड उस वक्त वो पर्सनैलिटी जब ऑन स्क्रीन आई, तो वॉइस को जरा सा अग्रेसिव एंड डैशिंग टाइप का रखना पड़ा. चक दे इंडिया का करेक्टर जो है वो, उसका फील अलग है. वो एक टीचर है, वो कंटेंट डिफरेंट है, उसके अंदर एक पेन है, उसके ऊपर एक बेवजह का एक इल्ज़ाम लगा है, वो दर्द भी है, आंखों में चमक भी है, जीत की चमक भी है, लेकिन पाँव में दर्द की तलखियां भी हैं. पाँव में दर्द की तलखियां भी नाच रही हैं, लेकिन आंखों में एक जीत की रोशनी, उम्मीद भी है. तो उसमें वो जो सलीम सुलेमान ने जो कंपोज़ किए हैं, विशाल शेखर ने जो कंपोज़ किए हैं गाने, वो accordingly ही जाना पड़ता है. बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब नहीं. वो मतलब बंदरगिरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. ज़रा सा लेफ्ट बोले तो ऐसा नहीं, लेफ्ट बोले तो ऐसा, राइट बोले तो ऐसा नहीं, राइट बोले तो ऐसा. बस एक एक्सप्रेशन जो होता है वो चेंज ऑफ लोकेशन ही होता है, वो चेंज ऑफ एक्सप्रेशन होता है, ज़रा सा उतनी ही ज़रूरत होती है. तो आई सिंग फॉर करेक्टर ऑफ माई एक्टर, जो वो कर रहे हैं. तो चाहे वो दिलहारा हो, सैफ अली हो, रणवीर सिंह हो, हैप्पी बर्थडे टू जो गाना था, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, अरे अरे गरे समझे मगर बस आशिको पे रहे कर्फ्यू. अब एक इंसान बोट पे खड़े हो के, बोट चल रही है स्पीड से और गा रहा है, तो यही मूड होगा. ऊपर से हैप्पी बर्थडे. और वही रणवीर सिंह जब पार्टी में, शिप में, जब वो पार्टी सॉन्ग गाते हैं, मैं नाच मैं डालू ताल पे भंगड़ा और तू भी गिद्धा वाले, चल ले सारंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले, टाउ डाउ डाउ, तो
ज़रा सी जो नरेशन है डायरेक्टर्स की और पोइट्री अपने आप में वैसे नरेट कर देते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू, व्हाट एग्जैक्टली द करेक्टराइजेशन ऑफ दिस सॉन्ग, पोइट्री नरेट कर देती है। तो नरेशन को समझना चाहिए, क्योंकि जो सुन लेता है वो समझ लेता है, और जो समझ लेगा वो कर लेगा। हा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल हैव टू से समथिंग इम्पॉर्टेंट टू मेक इट क्लियर व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ पॉप इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ पॉपुलर। यस, एंड बॉलीवुड सॉन्ग्स आर पॉपुलर, वी हैव अ पॉप कल्चर ओवर हियर। आई एम वंडरिंग व्हेन समवन, किसी से पूछा, पाजी तुसी की कर रहे जे? मैं जी पॉप एल्बम बना रहा जी। अभी पॉपुलर हुआ नहीं, उसके पहले ही पॉप बोल रहे हैं। दे डोंट नो व्हाट डज इट मीन ऑफ पॉप। लाइक पब इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक प्लेस, लाइक पॉप इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ पॉपुलर। पॉपुलर सॉन्ग छैया इज अ पॉपुलर सॉन्ग, जय हो इज पॉपुलर सॉन्ग, चक दे इंडिया इज अ पॉपुलर सॉन्ग, रुतागी रे। नाउ रिसेंटली आई हैव संग फॉर टॉयलेट एक प्रेम कथा, द म्यूजिक इज हैपनिंग वेरी गुड, द फिल्म इज ऑल्सो पॉप, फिल्म इज वेरी पॉपुलर। वी हैव पॉप कल्चर एक्चुअली इन बिटवीन ट्रांजेक्शन ऑफ सीडी कैसेट से हम लोग डिजिटल फॉर्म में आ रहे थे, तो उसको आते आते ट्रांजेक्शन जो जब होता है तो ट्रांसफॉर्म को टाइम लगता है, क्योंकि पूरा समाज बदलता है ना, तो वो एक दिन में एक रात में नहीं होता। तो इट टुक अराउंड 5 to 7 years। पहले एल्बम 5 से 7 साल पहले एल्बम्स का कल्चर काफ़ी था इधर, और उनमें से जो पॉपुलर होते थे पॉप उन्हीं को कहा जाता है, यहाँ फ्लॉप को भी कहते कि मेरा पॉप सॉन्ग, मेरा पॉप एल्बम फ्लॉप हो गया। ये दो बातें एक साथ कैसे हो सकती कि मेरा पॉपुलर एल्बम फ्लॉप हो गया? नॉनसेंस, एंड इट इज नॉनसेंस। दे शुड अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन ऑफ पॉप। पॉप इज अ शॉर्ट फॉर्म पॉपुलर। एंड मेरा मैं एक पॉप गाना रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, अभी कर रहे हो और करते करते पॉपुलर हो गया, रिलीज भी नहीं हुआ। वी हैव पॉप कल्चर ओवर हियर इन अ फॉर्म ऑफ सिनेमा सॉन्ग्स, इफ इट इज़ अ तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नडा, हिंदी, पंजाबी, वेरियस लैंग्वेज। बट वी हैव वन थिंग आई एम नॉट लाइकिंग इट एट ऑल, दिस सो कॉल्ड बॉलीवुड, टॉलीवुड। बंटवारा हमारे जीन्स के अंदर चला गया, हमारे ब्लड में चला गया है बंटवारा। इन्हीं बंटवारों की वजह से कश्मीर की प्रॉब्लम्स हम लोग झेल रहे हैं, इन्हीं बंटवारों की वजह से 200 साल अंग्रेज राज कर गए, इन्हीं बंटवारों की वजह से 1200 साल मुग़ल आए बाहर से राज कर गए। उनमें से कुछ एनिमीज थे, उनमें से कुछ बहुत अच्छे भी थे। उन्हीं बंटवारों की वजह से वही कश्मीरी जो तिलक लगा के पूजा पाठ करते थे, अचानक उनका मूड बदल गया। बंटवारा हमारे DNA में चला गया है, ये बॉलीवुड, वो टॉलीवुड, अब कॉलीवुड, पंजाब का कुछ और है, पॉलीवुड, भोजपुरी फिल्मों का कुछ और है, इतने सारे वुड। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग इट, ये जस्ट इट केम आउट जस्ट 10 years बिफोर, इट हैज टू बी नोन एज इंडियन सिनेमा, दैट्स इट। अगर उसमें वर्सटैलिटी ऑफ लैंग्वेज है सो वॉट, नो प्रॉब्लम, पहले भी तो थी, पहले नहीं बोला जाता था, अभी सडनली बॉलीवुड, सडनली टॉलीवुड। टॉलीवुड वालों को बॉलीवुड से कोई इमोशनली अटैच नहीं है, बॉलीवुड वालों को टॉलीवुड के साथ नहीं है, मॉलीवुड, कॉलीवुड भी है, लॉलीवुड भी है, चार गांव मिलके उसका नाम भी टॉलीवुड, क्या है जी टॉलीवुड, क्या है जी, व्हाट डज इट मीन? इट इज इंडियन सिनेमा। आई सिंग फॉर तमिल सिनेमा ऑल्सो, तेलुगु सिनेमा ऑल्सो, तेलुगु फिल्म ऑल्सो, मलयालम, कन्नड़, तुलु, अ स्मॉल कम्युनिटी बट वेरी रिच इन कर्नाटका। आई सिंग फॉर मराठी, यस, बट आई कंसिडर ऑल ऑफ दीज फिल्म आर इंडियन फिल्म। आशा भोसले जी, आशा भोसले जी आई कंसीडर द बेस्ट सिंगर ऑफ दिस यूनिवर्स। आशा भोसले इज द बेस्ट सिंगर ऑफ यूनिवर्स, देर आर सो मैनी रीजन टू से दिस।
उनके ही घर में प्रभु कुंज में स्वर सामग्री लता जी जो ओरिजिनली ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा समंदर है जो एक ही समंदर है, दूसरा नहीं है, लेकिन उसी घर में एक दूसरा समंदर, एक दूसरा चांद, दूसरा सूरज अपनी मेहनत, लगन, सोच समझ और इंटेलिजेंट वे से नेचुरल करते हुए उस घर में अपने आप को एक सिंगर बनाया, क्रिएटेड। ब्लेसिंग तो थी उस घर को संगीत की, उनके परिवार में संगीत कला थी ही हमेशा, लेकिन आशा जी ने अपने आप को बनाया। एक समुंदर के रहते दूसरा समुंदर अगर कोई बना दे, इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। शी मेड इट पॉसिबल एंड शी इज द बेस्ट सिंगर ऑफ दिस यूनिवर्स। अदरवाइज बाई माई नेचर वाइज आई लव ब्रिटनी स्पीयर्स, रिहाना, बियॉन्से, कैरी एंड सुनिधि आल्सो सिंग वेरी वेल। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, ही इज लाइक दैट ओनली। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। आई लव यू प्रियंका। आग सी रवानियां लेती है अंगड़ाइयां, ये जला दे है दिलों में चिंगारियां। ये जलवा फैशन का है, ये जलवा, शी इज एक्चुअली जलवा। वी हैव सीन अ बोथ वर्शन ऑफ तनु वर्ड्स मनु, शी इज, मैं कंगना रानावत जलवा, ये कंप्लीट नाम उनका करता हूँ, कंगना रानावत जलवा।